यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हॉलोंग बे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉन्डिंग मॉन्क। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हॉलोंग बे। और अगर आप प्लान करें वियतनाम की ट्रिप तो क्या आपको हॉलोंग बे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है, वो सारी बातें करेंगे। खर्चा कितना लगता है हनोई से डे ट्रिप करने का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा है हॉलोंग बे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी बताइएगा। हॉलोंग बे जाने के लिए हमारी जो लिमोजीन है, हमने लिमोजीन बुक की है, वो आ गई है। हमारे होटल के ठीक सामने से पिकअप है। ये है हमारी प्यारी for you. Yeah. But the street, the only reason I'm prevented from doing this is that it's a street one, and they fly to catch, train to catch or bus. हमारे गाइड साहब ने काफ़ी सारी ब्रीफिंग दी, क्या क्या करना है, दिन भर की क्या एक्टिविटीज है। तीन आइलैंड्स घुमाएंगे। हनोई से हॉलोंग बे तक एक नया एक्सप्रेस वे बना है। डिस्टेंस 140 किलोमीटर का, टाइम लगता है सिर्फ 2.5 घंटे। रोड की क्वालिटी अभी तक जितना भी मैंने देखा है वियतनाम में काफ़ी अच्छी है। मैं मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से एक नॉच ऊपर ही है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। और ये वाला एक्सप्रेस वे काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो टाइम जो इन्होंने बोला लगभग उतना ही लगने वाला है। चलिए मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ नोटिस की है वियतनाम में भी 3 दिन में, वो ये कि ये लोग पंक्चुअल बहुत ज़्यादा हैं। इन्होंने मुझे 8:50 का टाइम दिया था, एक बार 8 बजे कॉल किया कि क्या आप रेडी, मैं पिक कर सकता हूँ। हम लोग 8 बजे रेडी नहीं थे, मैंने बोला कि मैं 8:50 का मुझे टाइम दिया गया था, मैं उस टाइम ही रेडी होऊंगा। तो 8:48 AM पे इनका कॉल आ गया, 8:50 पे इन्होंने मुझे अपने होटल से पिक कर लिया। तो टाइम, इस ट्रैफिक इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड है, पतली पतली गलियाँ, फिर भी अभी तक सब कुछ ऑन टाइम ही देखने को मिला है। हनोई हॉलोंग बे हाईवे पे, हॉलोंग बे का जो हार्बर है टुआन चुआ हार्बर, मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा, मुझे पता है, वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे अभी हम लोग हैं। एक पर्ल फैक्ट्री है, एक मैंडेटरी से स्टॉप मान लीजिए 8 किलोमीटर पहले, कुछ ना कुछ आएगा आदमी तो पर्ल वगैरह शॉप करेगा। पर्ल की हिस्ट्री, कहाँ कहाँ पे पर्ल पाए जाते हैं हॉलोंग बे में, जहाँ पे लोग पर्ल निकालते हैं, ऑयस्टर्स निकालते हैं, पर्ल तो यहाँ पर निकालते हैं, इन सारी जगहों पे पर्ल फार्मिंग होती है, एरो रेड एरो से बना रखा है। और यहाँ पे कुछ ऑयस्टर्स रखे हैं, जैसे ये मैडम है, ये ऑयस्टर की सर्जरी कर रही हैं, बड़ी डिटेलिंग का काम है, माइन्यूटली उसको खोल रही हैं ताकि ब्रेकेज ना हो कोई भी। और इधर इस टेबल पे अलग अलग तरह के पर्ल्स निकाल के सजा के रखे हैं इन्होंने। इन मोहतरमा का काम है बेसिकली पर्ल्स पिक करना, कि कौन से पर्ल्स अच्छे हैं कौन से नहीं अच्छे हैं, दोनों को सेग्रीगेट करना। और वहाँ से जो पर्ल निकल के आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पर्ल के ऑर्नामेंट ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं। तो अब पूरा एंड टू एंड प्रोसेस, राइट फ्रॉम पर्ल निकालने से लेके जो ज्वेलरी ऑर्नामेंट बनने तक, सब कुछ आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत बड़ा सा शोरूम भी इन्होंने बना रखा है, आप शोरूम में आइए। और काफ़ी बड़ा सा शोरूम है। अनु को ये मोतियों की माला बहुत पसंद आई, पर इसका दाम और भी ज़्यादा सुंदर है, 25,000 US डॉलर, इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो लगभग 20 लाख रुपए। और यहाँ पे कुछ लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली इनफ। मैंने सुना था कि ज्वेलरी शॉप्स में बहुत अच्छे रेट्स मिलते हैं एक्सचेंज के, करेक्ट सुना था, जो गूगल पे रेट दिख रहा था वही रेट एग्जैक्टली इस ज्वेलरी शॉप में मुझे मिली, जो शोरूम है पर्ल वाला। मैंने 100 US डॉलर दिए और लगभग मुझे 2.3 मिलियन डोंग मिल गए वापस इनके यहाँ से। ये है पर्ल फैक्ट्री जो है, उसकी पार्किंग अंदर एक कॉफ़ी शॉप भी है, तो आप यहाँ रुक रहे हैं तो कॉफ़ी जूसेज वगैरह लेके फिर आप आगे हॉलोंग भी जा सकते हैं। आगे हॉलोंग भी की तरफ बढ़ूँ उससे पहले मैं एक दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। ये जो टूर है वो मैंने बुक किया था क्लूक से, 3 लोगों का कॉस्ट था 10,000 रुपये इंडियन करेंसी में, कुछ डिस्काउंट कोड्स वगैरह लगाए थे। और इस क्रूज़ का जो पैकेज का नाम है वो लग्जरी क्रूज़ विद ट्रांसफ़र बोथ वे, तो इसमें ट्रांसफ़र इंक्लूडेड है हॉलोंग बे से हनोई, हनोई से हॉलोंग बे।
और दूसरी चीज़ जो इसमें ट्रांसफ़र इंक्लूड था वो बस था, मैंने उसको चेंज कराया, मैंने लिमोजिन बस ली। इसमें कम सीट्स होते हैं, 15 सीट हैं इस वाली बस में, और रेगुलर जो बस है उसमें 40 सीट होती है, उसमें लेगरूम कम होता है, इसमें लेगरूम ज़्यादा है, थोड़े ज़्यादा कम्फर्ट है। 2000 रुपये एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ा हनोई से हालोंग बे के बीच में। तो क्लूक से अगर आपको बुक करना है, आप हनोई आ रहे हैं, हालोंग बे क्रूज़ करने वाले हैं, तो एक ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। यह है टुआन चाओ मरीना, काफ़ी बड़ा मरीना, उन्होंने पहले से वार्न कर दिया है, सैटरडे है, बहुत भीड़ होने वाली सारे आइलैंड्स पे, टाइम लिमिटेड होगा, जो टाइम देंगे उसी पे जाना, उसी से आना है। तो दोस्तों ये पहला नज़ारा हालोंग बे का, काफ़ी ग्रैंड सा लग रहा है। ओशन, साउथ चाइना सी, ओशन नहीं कहूँगा, साउथ चाइना सी, उसके अंदर बहुत सारे लाइमस्टोन माउंटेन्स हैं, अभी चल के अंदर देखते हैं। पर यहाँ पे ये मरीना का नज़ारा है। हमारी बस में दो ग्रुप्स आए थे, दोनों ग्रुप्स के लिए मैंने गाइड भाई साहब अंदर गए टिकट लेने के लिए, शायद मरीना का टिकट होता होगा क्योंकि क्रूज़ ऑलरेडी बुकड है, और वो टिकट लेके आएंगे तो फिर हम लोग चलेंगे क्रूज़ में बैठने के लिए। जहाँ पे टिकट ले रही थी मैडम, वी मैडम, उसके बहुत पास में ही बोट है, और काफ़ी सारे हमारे इंडिया से लोग मिले मुझे, डॉक्टर्स ही हैं यूपी से। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ से लास्ट मोमेंट अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो खरीद सकते हैं, शॉर्ट्स, गॉगल्स, स्लीपर्स। पहले सीधे जैसे आप क्रूज में आएंगे तो आपको ही जो इनका डाइनिंग एरिया वहाँ पर बिठा देते हैं, यही सीटिंग है, भी जगह है, ऊपर एक डेक है वो मैं बाद में दिखाता हूँ, अभी डिपार्चर शुरू हो गया है। फाइनली हमारे क्रूज़ ने चलना शुरू कर दिया है, और चलते ही थोड़ी सी हवा आ गई, ब्रीजी हो गया, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग था, लोगों ने विंडोज़ भी बंद करके रखे हुए थे, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। पीछे हमारे देश के लोग बैठे, उन्होंने इनवाइट किया कि साथ में आके बैठिए, हमारे साथ खा लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ है कि जो भी पैकेज है उसमें बेवरेजेज इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ खाना है। क्रूज शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही जो गाइड भाई साहब थे उन्होंने सेफ्टी ब्रीफिंग दी, पूरी आइटनरी बताई कि लंच के बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, लगभग टाइम लगेगा 1 घंटा 10 मिनट, और जिस जगह पे पहुँचेंगे उसका नाम है टीटा आइलैंड। हमारा वेजिटेरियन वाला टेबल है, बहुत सारे इंडियंस हैं जिनके साथ हम लोग टेबल शेयर कर रहे हैं। स्प्रिंग रोल है, ये कुछ टोफू का आइटम है, ये बन है, फ्रेंच फ्राई है, इतने सारे टेबल्स लगे हुए हैं, इतने सारे, जिसमें से एक हमारा ये वाला टेबल जो था प्योर वेज था। और जो वेजिटेरियन खाना इन्होंने खिलाया, नूडल, पाव, फ्रेंच फ्राई, सलाद, कट फ्रूट, ओवरऑल मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर था। वाओ, ग्रेट, नथिंग एक्सेप्शनल, क्योंकि हमारे गाइड ने पहले ही बता रखा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक ठाक सा मिलेगा, और ठीक ठाक सा ही था, पेट भर गया। चलते हैं अपर डेक पे और सीनरीज इन्जॉय करते हैं, आपको भी दिखाते हैं हालोंग बे कैसा है। इस बोट में टोटल दो ही डेक है, नीचे जहाँ हम लोगों ने लंच किया जो डाइनिंग रूम है, और ऊपर एक ये डेक है, पीछे शेड है, आगे हमारे जो बोट के कैप्टन है वो चला रहे हैं, ये ब्रिज है। और यहाँ पे नज़ारे देख के कुछ कुछ मुझे लैंकावी पे थ्री आइलैंड टूर हमने किया तो उस तरह की याद आ गई, लाइमस्टोन माउंटेन्स वहाँ पर भी थे लैंकावी के पास में, या फिर फुकेट में भी इस तरह की सीनरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे यूनिक क्या है कि यहाँ पे इस पूरे इस बे के अंदर 2000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, और इसीलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, काफ़ी स्पेक्टेकुलर है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि अभी बोट चल रही है तो थोड़ा सा ब्रीजी है, तो उतनी गर्मी पता नहीं लग रही है। ये है शेडेड एरिया, यहाँ पर बहुत सारे लॉन्जिंग चेयर्स रखे हुए हैं, ज़्यादातर लोगों ने चेयर पे कब्जा जमा रखा है, हालांकि सामने की तरफ हवा आ रही है, यहाँ हवा की थोड़ी सी कमी है। ये है हमारा पहला स्टॉप, टी टॉप आइलैंड,
45 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे। स्टोरी भी बताई इन्होंने कि इसका नाम टीटॉप आइलैंड क्यों है। 65 में यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे होचीमिन, उनके साथ एक रशियन एस्ट्रोनॉट थे मिस्टर टीटॉप, वो आए थे, उनको डेडिकेट किया गया, उनके नाम पे इस जगह का नाम रखा गया है टीटॉप आइलैंड। एक हाइकिंग पॉइंट है जहाँ से पूरा बे का व्यू मिलता है और बीच पे स्विमिंग कर सकते हैं। दो एक्टिविटीज़ है। 45 मिनट पहले जाते हैं, हाइकिंग करते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो बीच के किनारे बैठेंगे, आराम करेंगे। ये मिस्टर टीटॉप का स्टैचू, यही स्टैचू हमारा मीटिंग पॉइंट है 220 पे। पीछे है बीच, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इधर से रास्ता है ऊपर हाइक करने का जहाँ से हालोंग बे का अच्छा व्यू दिखता है। हाइकिंग के लिए आधे रास्ते जाएंगे, फिर वहाँ से डिसाइड करेंगे ये पूरा टॉप तक जाना है या वहाँ देख के खुश हो जाना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ह्यूमिड है। यहाँ से शुरू होती हैं सीढ़ियाँ, टोटल है 400 स्टेप्स। लेट्स सी कितना टाइम लगता है चढ़ने में उतरने में। बच गए हैं 2:45। मैं पहुंच गया हाफ पे जहाँ पे व्यूज़ काफ़ी स्टनिंग है। पूरी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है सीढ़ियाँ, लगभग 70 डिग्री पे, पर मिडवे तक आ सकते हैं आप, डिसेंटली फिट है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दोपहर में आएंगे आप तो मिडवे तक आके आप इन्जॉय कर सकते हैं हालोंग बे का बर्ड्स आई व्यू। अन्नू और चिकन ने डिसाइड किया था कि वो लोग ऊपर नहीं जाएंगे, काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी तो उन लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा था ऊपर आप जाइए ओके आइए, हम लोग यहाँ बीच पे तब तक मज़े लेते हैं। और इस छोटे से बीच पे काफ़ी सारे लोग हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि अन्नू और चिकन ने डिसाइड किया बीच पे ही रहेंगे, तो इनसे पूछते बीच पे इनको कैसा लगा। ऊपर चढ़ने से तो अच्छा बीच पे ही रहना है, दम निकल गया ऊपर चढ़ चढ़ के। वैसे धूप बहुत ज़्यादा है तो बीच पे भी कोई खास मज़ा आ नहीं रहा है। टीटॉप आइलैंड से नीचे हम लोग बोट पे वापस आए, गर्मी में दिमाग घूम सा गया। अभी दो केव्स हैं, एक ड्राई केव है एक वेट केव है। वेट केव में बोट से जाना होता है, दो ऑप्शन हैं, कायाकिंग करके जा सकते हैं या फिर बैम्बू बोट है, 15-20 लोग का ग्रुप होता है जिसमें जा सकते हैं। हमने बैम्बू बोट चूज़ किया है, ऑब्वियसली गर्मी इतनी है कायाक कौन करेगा। अभी बैम्बू बोट में बैठ के हम लोग केव्स देखेंगे, उम्मीद करता थोड़ा छाया होगा, धूप कम होगी ताकि अच्छे से इन्जॉय कर पाएँ, गर्मी कम लगे। ये हमारे डे टूर का सेकेंड स्टॉप, हमने चूज़ किया बैम्बू बोट, इसलिए हम अपनी गाइड वी को फॉलो कर रहे हैं। बैम्बू बोट और कायाकिंग हमारे इस टूर में इंक्लूडेड नहीं था। बैम्बू बोट के लिए 50,000 लॉन्ग पर पर्सन लिए हैं और कायाकिंग के लिए था 70,000। हम लोग बैम्बू बोट पे जा रहे हैं, रीज़न मैंने आपको बताया था, गर्मी बहुत ज़्यादा और कायाकिंग करने आती नहीं। सवार हो गए हम तीनों लोग, फ्रंट रो पकड़ लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर है यार, दिमाग घूम गया है। बोट चलेगी, हवा लगेगी तो शायद थोड़ा बेटर लगे। हे भगवान, थोड़ी बादल लाओ ना। अभी हम लोग आ गए हैं गुफा के अंदर, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे चमगादड़ निकल के आने वाले हैं इसके अंदर से, पर थैंकफुली यहाँ पे धूप नहीं है, थोड़ा बेटर लग रहा है। लोग कायक में बैठ के काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, चारों तरफ कोई इधर टकरा रहा है कोई उधर टकरा रहा है, बहुत सारे फर्स्ट टाइमर हैं। हम लोग फर्स्ट टाइमर नहीं बनना चाह रहे थे इसलिए हम लोगों ने बैम्बू बोट लिया, और ऊपर से पानी टपक रहा है, आई डोंट नो कैसा पानी है। बैट का पिस तो नहीं है चिक्की? आई श्योर चिक्की श्योर है बैट पिस नहीं है। वो जो पीछे हम लोग केव में से आए हैं वहाँ से निकले तो काफ़ी बड़ा सा लगून है, चारों तरफ से लाइन से माउंटेन्स हैं। और हम लोग जब आ रहे थे तो हमें जो हमारे गाइड हैं उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, मिथ है बेसिकली कि पता नहीं प्री हिस्टोरिक है हमें ड्रैगन्स ने स्पिट किया था, उसकी वजह से पूरा हालोंग बे एरिया बना, जो माउंटेन्स हैं उस ड्रैगन की स्पिट से बने। हालोंग का मतलब वियतनामीज़ में ड्रैगन की लैंडिंग, सो बेसिकली वन वे इन वन वे आउट, वही वाला जो केव उसी हिसाब को अंदर लगून में आना है, एक चक्कर लेंगे बोट पर और वापस उसी केव से बाहर। बोट का जो छोटा सा ट्रिप करके वापस हम लोग पॉन्टून पे पहुंच गए। ये एक्टिविटी डेफिनेटली पहले वाले से मुझे बेटर लगी, कम गर्मी थी और नज़ारे बहुत सुंदर। मैं अभी अपनी गाइड ली
वी से बात करा था, इन्होंने बताया कि ये जो बैम्बू बोट है पहले ट्रेडिशनली बैम्बू से बनता था, पर अभी ज़्यादा लोगों की सेफ्टी के लिए ये वाला बोट जो है अभी बैम्बू से नहीं बल्कि वुड से बनता है सेफ्टी पर्पज से। ये है हमारे टूर का लास्ट स्टॉप जिसका नाम है सुनसॉट केव्स और अंग्रेजी में सरप्राइजिंग केव। टोटल 15 केव्स हैं हेलोंग वे में, जिसमें से 5 ओपन है टूरिस्ट के लिए, ये सबसे बड़ा है। टोटल एरिया है 10,000 स्क्वायर मीटर का, वन वे पाथ है 1.5 किलोमीटर का, 3 चैम्बर्स हैं अंदर। अंदर कैसा है वो आगे चल के दिखाता हूँ। हांग सुंग सॉट बोले तो सरप्राइजिंग केव्स, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ हालाँकि बेटर है, पिछले वाली जो सीढ़ियाँ थी टी टॉप आइलैंड पे जो सीढ़ियाँ थी उससे काफ़ी बेटर है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं जो सुंग सॉट केव है उसके पास, काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है। टी टॉप आइलैंड पे मेहनत नहीं करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ से व्यूज़ काफ़ी अमेजिंग है। वो है नीचे एंट्री पॉइंट केव्स का, वहाँ पे है एग्जिट। यहाँ से शुरू होती है केव्स और ये है फर्स्ट चैम्बर। यहाँ स्टेप्स में आपको काफ़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है, अदरवाइज स्लिप हो सकते हैं, एंकल ट्विस्ट हो सकता है। मैंने अनु को काफ़ी सारे टिप्स दिए, खुद भी संभलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये है अमेजिंग, आई एम श्योर आपने ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी, ये चीज़ अद्भुत है और टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। और ये है चैम्बर नंबर 2, अमेजिंग नेचर। जो वीडियो फुटेज है वो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पाएगा इस जगह से। 500 मिलियन साल पहले नेचर ने कुछ चमत्कार किया है। ये है तीसरा और सबसे बड़ा केव। यहाँ आने के बाद समझ में आ रहा है इसका नाम सरप्राइजिंग क्यों है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे एक एक चैम्बर के आगे सरप्राइज होते जाएंगे। लास्ट वन इज़ टू गुड, टू बिग टू गुड। टोटली वर्थ है पूरा जो हालांकि का ट्रिप है इस केव की वजह से। इन केव्स में ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी ड्रैगन निकल के भी बाहर आने वाला है। और जो सबसे बड़ा वाला चैम्बर है जहाँ अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, पाथवे बने हुए हैं, हालांकि पाथवे पूरा गीला है, ऊपर से ड्रिपिंग होती है पानी की, बट अच्छे से लिट अप है और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। मैं कई बार बोल चुका हूँ काफ़ी सुंदर दिख रहा है, यकीन मानिए बहुत सुंदर है। ये जो सरप्राइजिंग केव था काफ़ी सरप्राइजिंग था। बाहर आ गए, बाहर निकलना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, इनफैक्ट जाना भी डिफिकल्ट नहीं था। स्टेयर्स हैं, थोड़े सा फिजिकली फिट होना पड़ेगा, सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अंदर स्लिप भी है तो अवॉइड कर सकते हैं उसको। ये पूरा जो हालांग बे का 3 स्पॉट्स का जो ट्रिप था वो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बता सकता हूँ कि गर्मी में स्पेशली सेप्टेम्बर का जो फर्स्ट वीक है बहुत गर्म है। मतलब मैंने अपने गाइड से पूछा कि कौन सा टाइम बेटर होगा, तो उन्होंने बोला अक्टूबर में आइए, उसमें वेदर काफ़ी कूल होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है। एक और तरीका है, यहाँ पे 1 नाइट 2 नाइट क्रूजेज होते हैं। उस क्रूज़ में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। तो 4 और 5 स्टार हैं, लगभग 2 लोगों के लिए 20,000 रुपये पड़ता है पर नाइट, जिसमें सारे मील्स इंक्लूडेड हैं, एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। तो वो अगर आप करना चाहते हो तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास टाइम की कमी है तो हमारी तरह डे ट्रिप कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग की क्रूज चलेगी जो हार्बर थी वहाँ पर जाएगी, वहाँ से हमें दूसरी जो बस थी वो हनोई होटल पहुँचाएगी। वापसी में जो लास्ट केव देखा उसके बाद हम लोगों को सर्व किया गया ये कट फ्रूट और चाय, और साथ ही सर्व किया गया ये केक। ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए ज़रूर। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। मैं आप लोगों से फिर जल्दी मिलता हूँ वियतनाम के कुछ और सीन्स लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।